आज कुछ हम साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में यह है, 10 सबसे अधिक तन्य धातु है, तो ये किसका है? तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, ए यू का है, यू यानी कि गोल्ड का है। चलिए आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो थोड़ा। चलिए दो नंबर देखते हैं, दो नंबर में दिया है, वनस्पति ऊतक का ए नंबर, दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। तीन नंबर दिया है, जब बैरोमीटर की परत अचानक घट जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम बेहद तूफानी हो जाएगा, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, Ca2O2 है। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो इसका सी नंबर, उठा हुआ हथौड़ा में नहीं होती है, बाकी सब में होती है, चलती गोली, लुढ़कता पत्थर, बहती हवा, इसमें होता है सी नंबर में, उठा हुआ हथौड़ा में नहीं होता है। छः नंबर यह है, लाइकेन प्लांट 10 डिवीजन से संबंधित है, तो इसका सी नंबर, थैलोफाइटा से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं, सात नंबर दिया है, जब मनुष्य के आवाज की ध्वनि कंपन के द्वारा वोकल चोर्ड की से उत्पादित होती है, मनुष्य की आवाज़ की ध्वनि डैश के द्वारा वोकल चोर्ड से उत्पादित होती है, तो कंपन के द्वारा उत्पादित होती है। आठ नंबर दिया है, आदमी के पीरियाडिक टेबल में सिलिकॉन जेड बराबर 14 और को डैश और डैश के बीच में रखा जाता है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, AL और P के बीच में रखा जाता है। नौ में दिया है, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा, अंडे देने वाले जानवर को अंडज जानवर कहा जाता है। दस में दिया, निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? तो इसका हो जाएगा इथेनॉल का, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और अच्छा लगे तो जम कर लाइक और शेयर कीजिएगा। हृदय मांसपेशियां डैश होती है, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, बेलनाकार अशाखित और एकल नाभिक की होती है। बारह में दिया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को डैश कहा जाता है, तो इसका अनाक्षीय
श्वसन कहा जाता है, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। तेरह दिया है, हवा के दबाव को आप क्या कहते हैं? तो इसका वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, वो हम एम डैश की एसआई इकाई है, तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, प्रतिरोधकता की इकाई है। नाभिक में स्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहा जाता है, तो इसका 15 का हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, इसका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, दो द्रव्यमानों के बीच परिभाषित होता है। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाले लक्षण हैं, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, प्रबलता इसमें सही हो जाएगा। डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है, तो इसका हो जाएगा हर्ट्ज, ध्वनि तरंग की इकाई नहीं है, बाकी सब है, आयाम वेग आवृत्ति है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है, यह डैश समूह से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा 13वां समूह से संबंधित है, 13वां समूह से यानी कि डी ब्लॉक से संबंधित है। मछली में पाया जाता है, सॉरी डी नहीं, इसमें होगा पी ब्लॉक, पी ब्लॉक से संबंधित है, 12 तक होता है, 13 से फिर पी ब्लॉक हो जाता है, 2, 3 से 13 नहीं, डी से होता है, ठीक है। मछली में पाया जाता है, तो इसका 20 का हो जाएगा सी, दो कक्षीय हृदय पाया जाता है। डैश कार्य करता है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, बल गुना विस्थापन डैश कार्य करता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसका सी नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका हो जाएगा 23 का ए नंबर, मार्सी लिया सही हो जाएगा। रूट ट्रिप या शूट ट्रिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, विभाज्योत्तक उत्तक पाया जाता है। डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, तो इसका हो जाएगा अणु, अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है, तो इसे इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा, प्राध्वनिक इसका सही हो जाएगा। 27 में दिया है, कार्बन के द्वारा मजबूत बांध बनाने का एक कारण इसका डैश है, तो इसका हो जाएगा छोटा आकार, डी नंबर सही हो जाएगा। 28 में दिया है, डैश फूल की ध्वनि किसी विलयन के अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देता है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर, चमेली इसका कोई नहीं है, बाकी सब सही है। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र है, तो 29 का हो जाएगा CaO है,
इसका सी नंबर सही हो जाएगा। डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसका हेक्सेन सही हो जाएगा, इसका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जम कर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।